योगी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को उद्यमी बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण की 375 इकाइयां होंगी स्थापित। अगले 5 सालों में 2 लाख से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य। रामपुर में इस बार सड़क पर नहीं होगी ईद की नमाज, शहर काजी ने मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने की अपील की। देश भर में 3 मई को मनाई जाएगी। बलिया की एक मस्जिद में दोबारा लगाए गए लाउडस्पीकर तो पहुंच गई पुलिस, अधिकारियों की मौजूदगी में लाउडस्पीकर हटाए गए। 3 दिन पहले पुलिस ने मस्जिद से हटाए थे लाउडस्पीकर। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना कानपुर में हुए हादसे का शिकार, मंच टूटने से बाल बाल बचे सतीश महाना, सिंधी समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में खत्म हुआ मुफ्त का सफर, एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों से वसूला जा रहा है टोल टैक्स। सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 25% छूट दी। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने करीब 22 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को सीज किया। नौकर के नाम पर थी करोड़ों की बेनामी संपत्ति। प्रतापगढ़ में 5-5 लाख के इनामी समाजवादी पार्टी के नेता सभापति यादव और सुभाष यादव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की हिरासत में भेजा। सभापति यादव और सुभाष यादव के ऊपर 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कानपुर में 19 अप्रैल को लापता हुई युवती का नहीं लगा कोई सुराग, युवती की मां ने डीएम के पैर छूकर मदद की गुहार लगाई, 12 दिन से थाने के चक्कर लगा रहे हैं परिजन। जौनपुर के त्रिलोचन बाजार में छात्र की दबंगों ने की पीट पीट कर हत्या, मर्डर की वारदात से इलाके में हड़कंप, प्रैक्टिकल की परीक्षा देने जा रहा था छात्र। आगरा में तेज आंधी से कई पेड़ टूटे, फतेहपुर सीकरी में कई दुकानों का सामान उड़ा, दिन में वाहनों की लाइट जलाकर निकले वाहन चालक। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।